पहला सैमुएल 25वां बाब। और सैमुएल मर गया और सब इसराइली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया और माउन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था, और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे मालो असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहां बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे, बस इन जवानों पर तेरे कर्म की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ में आए अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और जबीये जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़िबा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहां के हैं? सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमायल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया, लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीजे और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खुशे और इंजीर की 200 टिक्कियां साथ ली और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। और उसने अपने शोहर
नाबाल को खबर ना की, और ऐसा हुआ कि जूं ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगेबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम न हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करेगा। और अभी जेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे ओंधी गिरी और जमीन पर सरनगुं हो गई, और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ऐ मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है, उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूं अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा, और अब ऐ मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खून रेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखवा नाबाल की मानंद ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदा की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है, और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के लुकबचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी, पर तेरे दुश्मनों की जाने वो गोया फलाखन में रख कर फेंक देगा। और जब खुदावंद मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई हैं कर चुकेगा और तुझको इसराइल का सरदार बना देगा, तू मुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया। और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। दाऊद ने अबीजेल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अकलमंदी मुबारक, तू खुद भी मुबारक हो जिसने मुझको आज के दिन खून रेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका कि अगर तू जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती तो सुबह की रोशनी तक नाबाल के लिए एक लड़का भी ना रहता। और दाऊद ने उसके हाथ से जो कुछ वो उसके लिए लाई थी कबूल किया और उससे कहा, अपने घर सलामत जा, देख मैंने तेरी बात मानी और तेरा लिहाज किया। और अबीजेल नाबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफ़त की तरह ज़ियाफ़त कर रखी है, और नाबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ ना कहा।
सुबह को जब नाबाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताई, तब उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानिंद सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने नाबाल को मारा और वो मर गया। जब दाऊद ने सुना कि नाबाल मर गया तो वो कहने लगा कि खुदावंद मुबारक हो जो नाबाल से मेरी रुस्वाई का मुकदमा लड़ा और अपने बंदा को बदी से बाज रखा, और खुदावंद ने नाबाल की शरारत को उसी के सिर पर लादा। और दाऊद ने अबिजेल के 12 में पैगाम भेजा ताकि उससे ब्याह करे। और जब दाऊद के खादिम किरमल में अबिजेल के पास आए तो उन्होंने उससे कहा कि दाऊद ने हमको तेरे पास भेजा है ताकि हम तुझे उससे ब्याहने को ले जाएं। सो वो उठी और जमीन पर औंधे मुंह गिरी और कहने लगी कि देख, तेरी लौंडी तो नौकर है, ताकि अपने मालिक के खादिमों के पांव धोए। अबिजेल ने जल्दी की और उठकर गधे पर सवार हुई और अपनी 5 लौंडियां जो उसके जलों में थीं साथ ले ली, और वो दाऊद के कासिदों के पीछे पीछे गई और उसकी बीवी बनी। और दाऊद ने यज़रेल की अखियो नाम को भी ब्याह लिया, सो वो दोनों उसकी बीवियां बनी। और साउल ने अपनी बेटी मेकल को, जो दाऊद की बीवी थी, लैस के बेटे जलमी फलेती को दे दिया था।